कितने साल से बना रहे हो आप यहाँ पर भेलपुरी? सिर्फ 36 साल से। ये जा रही है भाई इनकी लाल वाली चटनी। 36 साल से बना रहा हूँ पर उम्र मेरी 22। उम्र 22 साल ही है। 36 साल से बना रहे हैं पर उम्र 22 साल ही है। अंकल जी का दावा है भेलपुरी और ये आ गए सेव पूरी। वेलकम टू माय चैनल। ये जा रहा है अंकल जी मुरमुरा जा रहा है। ये चली गई जाएगी अपनी मूंगफली भेलपुरी मिल जाती है, सेवपुरी मिल जाती है और क्या मिलता है? दो आइटम है। तो कितने कितने रुपए की दोनों? भेलपुरी 50 की है, सेवपुरी 70 की है। ज्यादा मैं भेलपुरी बनाता हूँ, सेवपुरी तो कम पड़ती बनती है। तो दोनों में अंतर क्या है वैसे? कुछ भी नहीं है। अच्छा कुछ अंतर नहीं है? कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा बनाने का स्टाइल अलग है, मटेरियल तो सेम ही है। अच्छा मटेरियल सारा सेम ही पड़ता है, सेम क्वांटिटी में। सेवपुरी में मुरमुरा नहीं डालता। ये चली गई गाइस इनकी, ये आप लोग देख सकते हैं हरी चटनी जो अंकल जी खुद अपने स्पेशल हाथों से बनाकर लाते हैं। और ये चली गई इनकी लाल वाली चटनी इमली की। अच्छा जी, कंडीशन अच्छी हो तो आधा, अच्छा अगर हल्का नींबू हो, छोटा हो तो फिर पूरा। तो एक बार बताइए अंकल जी कि कितने साल से बना रहे हो आप यहाँ पर भेलपुरी? सिर्फ 36 साल से। आप भी जरूर आकर ट्राई करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हम भी एक प्लेट अपनी भेलपुरी और सेवपुरी लगवाते हैं। तो गाइज लॉकडाउन के बाद आप अंकल जी आ गए हैं वापस, ये लग गए गाइज अपने पत्ते। तो भेलपुरी का पत्ता 50 रुपए का है। तो ये जो है सेव पूरी लग रही है, तो सेव पूरी में पापड़ी कितनी चली जाती है? कोई गिनती नहीं। अच्छा कोई गिनती नहीं है, जितनी आ गई आप जितनी प्लेट में आ जाओ उतनी। ये देखिए ये चले गए ऊपर से सेव और ये बूंदी, मतलब प्रोसेस वही रहता है रिपीट अपना। मूंगफली धनिया बढ़िया तरीके से, मुरमुरा नहीं डलता। अच्छा और ये चले गए चॉप प्याज आलू। वही सेम प्रोसीजर रहता है गाइस सारा। ये चले गए ऊपर से नींबू, शेरपुरी में पूरा नींबू डल जाता है भाई बनाते। और ये आप हरी वाली चटनी आप बनाते। और ये ऊपर से भाई हरी चटनी और ये लाल वाली चटनी इमली, इसमें ऊपर से सेव जा चुके हैं भेलपुरी और ये आ गए सेवपुरी। बहुत ही अमेजिंग होती है यार, कभी यूनिवर्सिटी साइड आओ ना जरूर खाना। लिटरली बता रहा हूँ यार, मेरे को हंसराज के जो है ना 10-10 साल पुराने बंदे खड़े हुए दिखे हैं अभी, जो अंकल जी की भेलपुरी अभी भी खा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कैसी है टेस्ट में। पर ये देखिए कितनी शानदार लग रही है। बहुत ही अमेजिंग, जो इनकी लाल वाली चटनी है ना एक नंबर, मतलब आंटी जी के हाथ में स्वाद है भाई लाल वाली चटनी का। अब भेलपुरी ट्राई कर लेते हैं। ₹50 इसको देना वर्थ है, अगर ये भी 50 के होते तो भी वर्थ है, वैसे भी 100% वर्थ है अभी भी मेरे लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें।